दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन यशस्वी जायसवाल ने चोटिल हो जाने के बावजूद भी जड़ा भारत के लिए दोहरा शतक और फिर मैदान पर रोते हुए रोहित शर्मा को अपना भगवान बता उनके पैर छूकर जो कहा वो सुनने के बाद आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों आखिर 200 रन जड़ने के बाद क्या बोले यशस्वी जायसवाल वो तो जाने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच जिस टेस्ट मुकाबले का बेसब्री से इंतजार पूरा भारत देश कर रहा था उस मुकाबले में आखिरकार यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ ही दिया। जी हां दोस्तों आपको हम बता दें कि इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में भले रन नहीं बनाए और 10 रन पर ही आउट हो गए, लेकिन दूसरी पारी में जायसवाल के बल्ले से दोहरा शतक देखकर पूरे भारत देश की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल दोस्तों इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 445 रन बना पाने में कामयाब हो सकी थी और इंग्लैंड की टीम ने 319 रन पहली पारी में बनाकर भारतीय टीम के आगे 126 रन की बढ़त और रख दी। अब दोस्तों टीम इंडिया पर 126 रन की बढ़त तो थी और साथ में उनको कुछ ही रन बनाने थे एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिनसे हर किसी को उम्मीद लग रही थी वो तीसरे दिन चोटिल हो चुके थे और चोटिल हो जाने के बाद वो बीच मैदान पर खेल को आगे जारी भी नहीं रख पाए और दोस्तों फिर क्या था यहाँ पर यशस्वी को पीछे हटना पड़ा। और अब चौथे दिन का मैच जब शुरू हुआ तो यहाँ पर शुभमन गिल जब 91 रन पर रन आउट करवा दिए गए कुलदीप यादव द्वारा तब यशस्वी जायसवाल दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए आए। वो जानते थे कि अपनी टीम को बस वही आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म में चल रहे हैं और दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने यहाँ 104 रन से आगे खेलना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने इस मैच में 10 छक्के और 14 चौकों की बदौलत दोहरा शतक जड़कर हर किसी के दिलों को जीत लिया। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर सरफराज खान ने भी उनका साथ बखूबी निभाया, लेकिन यहाँ पर सरफराज खान की 50 तो एक तरफ थी लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक कोई भी भूल नहीं सकता और हम सभी जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल ने यह लगातार दूसरा दोहरा शतक भारत के लिए जड़ा है और दोहरा शतक जड़ देने के बाद यशस्वी जायसवाल काफी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। उनको पता था कि इस 200 रन की अहमियत क्या है और दोस्तों यहाँ पर फिर यशस्वी जायसवाल ने अपना 200 रन पूरा कर देने के बाद रोहित शर्मा को अपना भगवान बता जो कहा वो सुनने के बाद आप भी उनको सलाम करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में यह नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक कभी आ भी पाऊंगा। मैंने दोहरा शतक भले जड़ाए लेकिन ये मेरी टीम के लिए समर्पित है क्योंकि मैं अपनी टीम को जिताना चाहता हूँ, चाहे मैं 10 रन क्यों ना बनाऊं। अगर मेरी टीम उन 10 रन से भी जीतेगी तो मुझे काफी खुशी होगी। मैं कभी भी अपने स्कोर के लिए नहीं खेलता, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं 200 रन बनाऊं या फिर 400 रन बनाऊं। मेरा बस फोकस इसी बात पर रहता है कि मैं अपनी टीम को जितना आगे तक पहुंचा सकूं मेरे लिए उतना ही काफी है। मैंने अपनी टीम के लिए काफी त्याग बलिदान दिए हैं। मैंने इस मैच में चोटिल हो जाने के बावजूद भी रोहित भैया की बात मानी। उन्होंने कहा कि अब हमें गिल के विकेट के बाद कोई बचा सकता है तो वो यशस्वी तुम ही हो और रोहित भैया के कहने पर ही मैं दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए आया। मैं चोटिल था, मुझे पता था कि मेरे इंजरी हो रखी है लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी बल्लेबाजी को आगे जारी रखा और इसी सपने को लेकर मैं मैदान पर उतरा था। आज चौथे दिन भी किसी भी तरह से शतक जड़ूंगा। अब शतक जड़ने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने कप्तान रोहित भैया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इस पारी को रोक कर रखा 200 रन जड़ने तक। और जैसे ही 200 रन हमने पूरे किए तो हमारा टारगेट भी पूरा हो गया 500 से ऊपर रन का। तो दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने यह तक कहा कि रोहित भैया तो मेरे लिए भगवान समान है, उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मुझे टीम में मौका देकर उन्होंने यहाँ इस उपलब्धि तक मुझे पहुँचाया है। तो दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का यह बयान सुनने के बाद अब आप सभी क्या मानते हैं, क्या यशस्वी जायसवाल ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।